हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमें ऑयल डालना है। आलू टमाटर की एक सब्ज़ी ऐसी होती है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो घर में बच्चों के खाने में नानुकर करते हैं सब्ज़ी के लिए, तो सबसे अच्छी सब्ज़ी है आलू टमाटर। टमाटर एपिटाइजिंग होता है, खून बढ़ाता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तेल गर्म होने देंगे, इसमें थोड़ा सा हींग का तड़का डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे, तो देखिए जीरे को अच्छे से ब्राउन होने देंगे, हमारा जीरा सिक रहा है। जब हमारा जीरा सिक कर लाल हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें मसाला पकाएंगे। आपको पता है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारा जीरा अच्छे से लाल हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इसमें पानी डाल दिया, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। एक से डेढ़ चम्मच तक हल्दी, दो चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, और दो चम्मच नमक। हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह हम मिर्ची और नमक दोनों बराबर मात्रा में डालेंगे और इसे हम पकने देंगे। एक बार हिला देंगे, अब इसे हम 2 मिनट तक हमारे मसाले को पकने देंगे ताकि हमारी सब्जी तरी वाली शानदार बने। तब पकने देते हैं हम इसको, फिर इसके बाद हम इसमें गट्टे डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला पक के अच्छे से रेड हो गया, अब हमारी तरी वाली शानदार सब्जी बनने के लिए तैयार है। हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस हैं, उन्हें हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू के स्लाइसेस। ये हमारे पास आलू के कटे हुए स्लाइसेस हैं, इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें आलू के स्लाइसेस डाल रहे हैं, टमाटर के स्लाइसेस। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें आलू और टमाटर के स्लाइसेस डाल दिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। सब्जी को अच्छे से हिला देंगे ताकि जो मसाला है, जो तरी है, वो अच्छे से घुल जाए और आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बने। बस देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी में हमने झोल डाल दिया है, पानी डाल दिया है, आलू टमाटर डाल दिए हैं। अब इसे बंद करना है और 3 सीटी बजने के लिए रहने देना है। तो हम कुकर को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम इस कुकर को लॉक कर देंगे और आप 3 सीटी बजने के लिए रख देंगे कुकर को। 3 सीटी बजते ही हमारी आलू टमाटर की सब्जी रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 सीटी के बाद हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। अब हम इसे, आलू टमाटर की जो शानदार सब्जी बनी है हमारी, इसे हिलाएंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी है, इसे एक बाउल में डालेंगे और सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आप खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए आलू टमाटर की सब्जी चपाती के साथ, पराठों के साथ। बहुत सारी बढ़ाई लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग।